फेसबुक की आईडी कैसे बनाए आसान तरीके से, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। देन इसके लिए आपको वीडियो को फुली वॉच करना और आपको वीडियो को लाइक करना होगा। सो गाइस चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट। देन आपको फेसबुक पर क्लिक करना, लाइक कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर और ईमेल। अगर आपके पास मोबाइल नंबर ईमेल से पहले आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया है, उसी अकाउंट को आप क्रिएट करना चाहते हो, देन नीचे आपको पासवर्ड इंटर करना और यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बताने वाला हूँ आप फेसबुक का नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिले क्रिएट न्यू अकाउंट, देन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो लाइक कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिले गेट स्टार्टेड, देन इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो देन यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स योर नेम, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम इंटर करना, देन यहाँ पर अब आपको अपना लास्ट नेम इंटर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर कर लेता हूँ, इस तरह से आपको भी इंटर कर लेना होगा और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम इंटर कर लेना। जैसे आप इंटर कर लेते हो देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देन यहाँ पर आपको देखने को मिले व्हाट्स योर बर्थडे, यानी कि यहाँ पर अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना हो। जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से आपको भी अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना हो। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेने के बाद देन यहाँ से अब आपको सेट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेट पर क्लिक करते हो देन नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स योर जेंडर, तो यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस परमिशंस को अलाउ करना। जैसे आप परमिशंस को अलाउ करते हो देन यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। अगर आप अपने ईमेल के थ्रू साइन अप करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको साइन विद ईमेल पर क्लिक करना होगा और यहां से आप ईमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हो, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो देन यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा क्रिएट अ पासवर्ड विद एट लीस्ट 6 लेटर और नंबर, यानी कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और यहां पर आपको कम से कम 6 लेटर होने चाहिए और नंबर भी होने चाहिए। तो जैसे मैं अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं, जैसे आप इंटर कर लेते हो देन यहां पर अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा सेव योर लॉगिन इन्फो, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो। देन यहां पर आपको देखने को मिलेगा एग्री टू फेसबुक टर्म एंड पॉलिसीज, तो यहां पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हो देन यहां पर आपको देखने को डू यू ऑलरेडी हैव अ फेसबुक अकाउंट, यानी कि यहां पर आपको नो क्रिएट न्यू अकाउंट आप इस पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद देन यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर द कंफर्मेशन कोड, यानी कि आपके मोबाइल में एक कोड आएगा, वो कोड यहां पर आपको एंटर करना होगा। जैसे मैं अपना कोड एंटर कर लेता, इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आपको ऐड पिक्चर पर क्लिक करना और यहाँ से आपको एसएस अलाउ पर क्लिक करना और यहाँ से आपको फिर से अलाउ करना होगा और यहाँ से आपको फिर से परमिशंस को अलाउ करना और यहाँ से आपको अपनी गैलरी से अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से अपनी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद देन यहाँ से आपको डन पर क्लिक करना। अगर आप एडिट करना चाहते हो, क्रॉप वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ से आप एडिट पर क्लिक करके क्रॉप कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना और यहां पर अब आपको देखने को मिल जाएगा वेलकम टू फेसबुक, यानी कि आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहां से अगर आप इस परमिशंस को अलाउ करना चाहते हो अलाउ कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हो। जैसे आप स्किप कर देते हो देन यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऐड योर फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना हो। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहां पर आपका फेसबुक अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब आपको वीडियो को लाइक करना।